a brand new show. Yes, this is the show where I'll be meeting your favorite content creator, your favorite social star, and we'll be asking them the questions they have never been asked before. Yes, hum aapko le jayenge seedhe unke ghar, and aap aur hum together will try to spill the beans. So, thodi serious baatein, dher sara fun karenge unke ghar jaakar, aur aaj hamare guest kaun hai, unse milne ke liye to chale unke ghar chalte hain. बढ़िया. सो इंतजार हुआ खत्म, और जैसे मैंने कहा कि आज की हमारी गेस्ट और कोई नहीं, रुचिका सरकर. अब शक्ल देखे तो पहचान ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खाते पीते और रिव्यूज देते हैं तो मिल ही जाएगी. ज्यादा की बातें, अंदर चल के करते हैं. आ जाओ. सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रुचिका के घर, और रुचिका से मिलके हम लोग ढेर सारी बातें करने वाले हैं. वैसे रुचिका ना ऑन कैमरा तो बहुत कुछ बोलती रहती है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा उन्हें क्या कहना है और पीछे के ना वील बी स्पिलिंग द बीन्स कि क्या एग्जैक्टली रुचिका के पीछे का राज क्या है, और इस तरह से जो इतनी सारी रेसिपीज बना बना के लोगों को इतना इंस्पायर किया है. और इसके साथ साथ ना वी आर वेरी प्राउड दैट शी एक्चुअली रिप्रेजेंट नागपुर एट सम वेरी फैंटास्टिक लेवल्स, और ये बहुत अच्छी बात है. तो रुचिका तुमसे बात करेंगे कि फूड ब्लॉगिंग शुरुआत कहाँ से की. देखो मैं आपको सही बताऊँ ना तो इंजीनियरिंग से. आपको पता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इंजीनियरिंग ही क्यों ऐसे करते हैं? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इंजीनियर्स ही अपना इंजीनियरिंग छोड़कर आगे क्यों बढ़ते हैं. क्योंकि इंजीनियर्स टैलेंटेड होते हैं, उनको इंजीनियरिंग में जॉब करने से ज्यादा ना अपना पैशन वो आगे बढ़ाने में मजा आता है. तो मेरे साथ क्या हुआ कि थैंकफुली मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ना फूडी मिले. तो इंजीनियर्स बंक तो करते ही है, हमें पता है. तो हम सब लोग क्या करते थे कि न्यू न्यू प्लेसेस ढूंढा करते थे, और लड़कियों की आदत होती है कुछ भी आने से पहले फोटो लेना. वो तो आजकल का ट्रेंड है बस. इनके बाद से एक्चुअली फूड ब्लॉगर्स के बाद से ना हमारी भी आदत हो गई है कि हम भी जब जाते हैं ना पहले फोटोग्राफ लेते हैं, बेचारा खाना जो है ना ठंडा हो जाता है. स्टार्टिंग तो ये इंजीनियरिंग की कहानी पहले सुन लेते हैं. हाँ, तो ऐसे बात हुई थी. फिर हम लोग नई नई प्लेसेस ढूंढा करते थे, मैं स्नैप लेती थी. तो फिर उस टाइम पे मैं अपनी ना पर्सनल प्रोफाइल पे फोटो वगैरह डालती थी. तो लोग पूछा करते थे कि ये यार ये कहाँ पर है वगैरह. तो फिर मैंने बोला कि यार बहुत डीएम्स आ रहे हैं, ये कहाँ पे ये कहाँ पे. उसके बाद में और एक ऐसे मतलब ये ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरा फोन का स्पेस पूरा भर गया ना, तो उस दिन मैं डिलीट करने वाली थी, और उसी दिन मुझे वो एक दिल्ली का पेज दिखा. ओके. जहाँ पे पूरा फूड फोटोज फूड वीडियोस ऐसे वगैरह थे. तब मुझे समझा कि अच्छा ऐसा ये भी कुछ कर सकते हैं. मतलब मुझे नहीं पता था ना हमें इंस्टाग्राम के बारे में क्या पता था कि 2018. मुझे दिखा कि बाकी ब्लॉगर्स ना ज्यादातर रेस्टोरेंट फूड का डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए करे. क्योंकि उस टाइम पे मतलब अभी भी स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं समझते कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है. तो मैंने सोचा कि नागपुर के हिडन जेम्स जो है बाहर निकाल के लाए. तो इसीलिए मैंने अपने पेज का नाम दिया था नागपुर चौपाटी. अगर आपको बिल्कुल याद है, हम उसे रुचिका को पहले से देखते हुए आ रहे हैं. तो फिर मैंने नाम दिया कि नागपुर चौपाटी. तो फिर ये दर्शाता था स्ट्रीट फूड को, चौपाटी फूड मतलब. तो मैंने काफी ज्यादा लेके आया जो नागपुर के स्ट्रीट फूड वेंडर्स थे ना, तो मैं उन्हें फीचर करते गई. और फिर मुझे उनसे सुनाई भी दिया गया कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है.
ऐसे वगैरह, तो इस तरीके से मोटिवेशन मिल गया. ओके. और कमेंट्स आते थे कि आपने जो प्लेस रिकमेंड की बहुत अच्छी है. ओके. वो लोग भी मुझे फोन करके बताते थे कि मैम आज तो आपने हमारी दिवाली करा दी, ऐसे वगैरह. तो इतना अच्छा लगता था, फील एक कुछ अच्छा करके. हाँ, उसके बाद में फिर मुझे ना 6 महीने के लिए पुणे शिफ्ट होना पड़ा इंजीनियरिंग के बाद. तो फिर मैं पुणे के भी इन्वाइट्स लेने गई. फिर नागपुर चौपाटी है ना, नागपुर के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता था. हाँ, तो पुणे के फिर इनवाइट्स थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्ट होते थे ना. तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे तो मुझे और आगे बढ़ना है. फिर पुणे, मुंबई और मैं घूमूंगी फिरूंगी, एक्सप्लोर करूंगी, तो क्यों ना अपना नाम चेंज कर दिया जाए. तो फिर मैंने अपने नाम से शुरुआत की, रुचिका. वेरी गुड. और इसीलिए रुचिका को उसी नाम से जाना जाता है, एंड एवरीबॉडी नोज. और अब तो आप इतना ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही हो, हाउ इट फील्स? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और मुझे पहले से, मतलब मेरा ऐसा मानना था कि मैं नागपुर को हमेशा हर जगह दर्शाऊँ और हर जगह रिप्रेजेंट करूँ. तो अभी बैंगलोर में एक इवेंट हुआ था, गुजरात में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन हुआ, तो वहाँ पर भी मैंने नागपुर को रिप्रेजेंट किया. तो वो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी. लेकिन एज अ स्टूडेंट कैसी थी आप? एज अ स्टूडेंट एवरेज थी, बहुत टॉपर थी, ये जानना तो जरूरी है ना. खाता पीता इंसान पहले कैसा था? सच बताऊँ तो एज अ स्टूडेंट मैं टॉपर में थी. ओके. तो मुझे टेंथ में भी 90% मिले थे, और फिर इंजीनियरिंग में भी मुझे काफी अच्छे पॉइंटर्स से मैंने किया है. तो फिर ना ये ऐसा हुआ कि पापा वाज लाइक कि इतना पढ़ लिख के किया क्या. पापा एक्चुअली दैट वाज द रिएक्शन पापा का कि तू क्या कर रही है इतना पढ़ा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और तू तो टॉपर थी actually. ऐसा भी नहीं कि तूने आर्ट्स लिया. और फिर एकदम से, और फिर मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बताऊंगी कि मेरी बेटी खाना खा के पैसे कमाती है. तो ऐसे तो बट उस टाइम पे थोड़ा सा हार्ड रहा मेरे लिए उनको मनाना. आप लेकिन कोई नहीं बता पाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके फैंस उनको देख रहे हैं. लेकिन मैं पूरी पोल खोलने आई हूँ, इनसाइड स्टोरीज उनकी फैमिली से जानेंगे. कहीं ना कहीं अब जो है एक प्रोफेशन आ चुका है एज अ फूड ब्लॉगिंग, एंड बहुत सारा कॉन्टेंट क्रिएशन अब क्रिएट हो रहा है. मे इट बी ट्रेवल, मे इट बी फैशन, मे इट बी बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन एज इन फूड ब्लॉगिंग, व्हाट डू यू थिंक कि अब का सिनेरियो आपके लिए क्या देखते हो, आप किस तरह देखते हो एज अ फूड ब्लॉगर? यस, एज अ फूड ब्लॉगर. ये बात तो बिल्कुल सच है कि कंटेंट क्रिएशन ये अगले 10 साल में, नॉट पिछले बट पिछले 10 सालों से, तो अगले 10 साल में ये बहुत आगे जाने वाला है, बहुत ज्यादा. सोशल मीडिया इज डेफिनेटली कैन बी अ प्रोफेशन. अगर आप इसे प्रोफेशनली करना चाहते हो बहुत ज्यादा अच्छी बात है और बहुत कुछ है. बट मैं ना ये बताना चाहूंगी कि इससे ना थोड़ा मेंटल पीस भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है. okay. तो वो नहीं होना चाहिए. okay. बाकी फूड ब्लॉगिंग कैन डेफिनेटली बी अ प्रोफेशन. आजकल बहुत बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स हमारे पास हैं, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हो रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर. तो काफी अच्छी बात है, रिस्पॉन्स अच्छा है. क्योंकि मुझे याद है कि एक टाइम जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एंड वहाँ पर क्या होता था, हमारे पास बहुत सिलेक्टेड ऑप्शंस होते थे. कहीं भी अगर हम लोग स्ट्रीट फूड खाना है, उस समय तो हम समोसे ज्यादा खाया करते थे. मुझे अब भी याद है कि तेलनखेड़ी जब वो नया ये फुटाला बना हुआ था, पूरा अच्छे से डेवलप भी नहीं हुआ था, हम लोग यहाँ तेलनखेड़ी मंदिर दर्शन करते थे, वहां से समोसे उठाते थे, हम लोग वहां पर फुटाला में बैठ के खाया करते थे बंक करके. और उस समय ना कैफे कॉफी डे नया नया था, तो हम लोग कैफे कॉफी डे भी जाया करते थे. बट नाउ तो बापरे, इतने सारे एवरी डे एक नया नाम सुनाई देता है, कुछ नए इंटीरियर के साथ, कुछ नए एम्बियंस के साथ, कुछ नए फूड के साथ, कुछ नए मेरे ख्याल से क्यूजींस के साथ. एंड नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन नागपुर, राइट? व्हाट्स योर निश्चय? ओके. सो इन फूड एब्सोल्युटली यार, फूड ब्लॉगर से फूड की बात की जाएगी, मेरे को तो सुन सुन के मैं शायद मोटी हो जाऊंगी. हाँ, तो इन फूड इंडियन. ओके. मतलब देयर इज नो कंपटीशन टू इंडियन फूड. घर का दाल चावल तो नहीं बोलोगी? अब एकदम टिपिकल डिप्लोमेटिक आंसर, प्लीज मुझे घर का दाल चावल, मम्मी के हाथ का दाल चावल. बट पाव भाजी, पानी पूरी, ये मेरी सबसे प्यारी फेवरेट, पुलाव. ओके, ओके. जो भी स्ट्रीट फूड. रुचिका, तुमने ना कोविड टाइम्स पे ना बहुत ज्यादा कुकिंग किया. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे फूड ब्लॉगर्स ना अब शेफ बन के ही घर से बाहर निकलने वाले.
ऐसा ना हो कि यही फूड ब्लॉगर ना कुछ नए रेस्टोरेंट्स और कैफे खोल लें, बट ऐसा हुआ नहीं. मैं सोच रही थी ऐसे कोई कैफे वैफे खुल जाए और पता चले कि ये अच्छा आइडिया है ना. थैंक्स फॉर द आइडिया. हां बताओ, देखो अब मैंने फ्री में आइडिया भी दे दिया रुचिका को. रुचिका बहुत सारी रेसिपीज लाई गई और बहुत सारी कुकिंग पहले से आती थी नहीं. कि ये कैमरा के लिए तुमने कुकिंग की? देखो मैं सही बता रही हूँ, मैं किचन में जाती भी नहीं थी. हाँ बस यही सुनना बाकी था, यही सुनना था मुझे. मैं किचन में जाती भी नहीं थी, बट बात ऐसी हो गई कि सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ. कंटेंट कहाँ से लाए? नहीं, सबसे पहले खाना कैसे मिलेगा इतना टेस्टी? सही बात है, कंटेंट कहाँ से लाए? अब कंटेंट कुछ ना कुछ तो चाहिए ना. तो फिर धीरे धीरे एकदम बेसिक से शुरुआत की, एकदम बेसिक मैगी टाइप्स ऑफ मैगीज मैंने बनाया, मिल्क शेक बनाया, इंस्टेंट रेसिपीज आपने क्रिएट की. तो मेरा ऐसा मानना था कि क्यों ना मैं ऐसी रेसिपीज बनाऊं जिनके इंग्रेडिएंट्स लोगों को घर पर ही मिलेंगे. okay. जिसके लिए बिल्कुल बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. रवा से उत्तपम बना लिया. yes. और ऐसी कुछ चीजें एकदम छोटी छोटी चीजों से मैंने रेसिपीज चालू की. और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला. अच्छा, क्योंकि मुझे याद है कि कोविड टाइम्स में ना लोगों ने केक्स, क्योंकि ये एक मीम्स आए थे कि जो इनो की साचे हैं वो उसका शॉर्टेज हो गया है. लोगों ने डोकला केक ये बहुत बनाया है. और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि लड़के जो है ना बिल्कुल ग्लास तक नहीं उठाते ना, उन्होंने भी कुकिंग की कोविड टाइम्स. मतलब दे ट्राइड एवरीथिंग, राइट? एवरीथिंग. आज योर फूड ब्लॉगिंग प्रोफेशन, व्हाट डू थिंक? क्योंकि इतनी सारी कॉम्पिटिशन, अब तो इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, हाउ टू मेंटेन हर चीज को किस तरह से करना पड़ता है? आर देयर एनी फाइट्स? नहीं, झगड़े होते हैं? नागपुर में तो नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सिटीज का बता सकती हूँ. हाँ? देखा है. मतलब हम नागपुर का नहीं बताएंगे, बाहर का बताएंगे. यहाँ झगड़े नहीं करने, बाहर निकलना है, उनसे मिलना है. पॉलिटिक्स होता है ना, हर चीज़ में. तो फिर किस चीज को लेकर होते हैं? वही कि कंपटीशन बढ़ रहा है. okay. तो फिर इन्हें अच्छा ब्रांड मिल रहा है. या फिर बहुत ब्लॉगर्स ऐसे बोलते हैं यार मेरे फॉलोअर ज्यादा है. हाँ. फिर भी उसको वो ब्रांड क्यों मिला? okay. और मुझे ये ब्रांड क्यों मिला? okay. या फिर उसे ज्यादा कैसे कोलैबोरेशन आ रहे हैं, मुझे क्यों कम हो रहा है? okay. ऐसा बहुत मैंने सुना है. okay. absolutely. okay. सुना ही तो. तुम्हारे झगड़े हुए हैं कभी? नहीं. हाँ फिर ठीक है यार, कभी नहीं हुए और कभी हो भी ना. वेरी ट्रू. हाउ ऑफन डू यू कुक? और सबसे पहले तो इससे पहले सवाल कि मेरे ख्याल से ना बहुत सारे फैंस ना इनसे पूछ चुके हैं और ब्लॉगर्स ने ये हमेशा आंसर करते हैं कि इतना खाना जाता कहाँ है, दिख तो नहीं रहा है. मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है. एक्चुअली ये एक्चुअली ऑन कैमरा पूछना बहुत जरूरी, क्योंकि आप लोग इनके पोलिंग क्वेश्चंस पे हमेशा ही पूछते हैं और मैंने देखा है हमेशा ये आंसर करते हैं यार हम लोग ग्रुप के साथ जाते हैं, हम लोग अकेले नहीं खाते हैं, और अगर खाते हैं तो दिख ही जाता है यार, क्योंकि मैं तो सांस भी लेती हूँ तो मुझे ना लग जाती है. तो इतना खाना कहाँ जाता है? तो देखो सबसे पहली बात ना, आपने जैसे बोला कि ग्रुप के साथ जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है. आप देखते हो ना टेबल पर इतना सारा खाना, तो वो मैं अकेले नहीं खा पाती हूँ. मैं मानती हूँ उसके साथ फोटो मेरा रहता है, लेकिन हम मस्त 5-6 लोग ब्लॉगर साथ में जाते हैं. उसके बाद ओनर्स रहते हैं या फिर स्टाफ, वो भी ज्वाइन कर लेता है हमें कभी कभी. और सही बताऊ तो मैं एकदम 3-4 बाइट से ऊपर नहीं खाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी डिशेस होती है ना, बाहर का खाना हेवी भी होता है ना. हाँ, तो उतना बहुत हेवी हो जाता है. तो कंटिन्यू वो खा के ऐसे हो गया है कि थोड़ा सा मन बिगड़ गया. एक्चुअली तो ये इसके साथ इतना सारा खाने के बाद भी मेरा क्वेश्चन यही है कि वो दिखता क्यों नहीं है मोस्टली? यार मतलब हमारे सिटी के ब्लॉगर सारे फिट है यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन है यार, मतलब सोचो मैं नहीं खाती बाहर का, बट देख रहे हो बिल्कुल फिट हो. बिल्कुल फिट नहीं हूँ. ये प्यार मोहब्बत दिखाओ मत तुम क्या. मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ, बट मैं सीरियसली यार तुम्हारा ही क्वेश्चन है नहीं है यार, मतलब मैं नहीं खाती बाहर का ज्यादा. मैं बहुत 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 एकदम सोबर घर का खाना खाती हूँ. सुबह टिफिन लाती हूँ दोपहर में और रात को घर जाके ही खाना खाती हूँ. मैं बाहर का कम खाती हूँ, लेकिन मेरा दिखता है. तुम लोगों का खाना क्यों नहीं दिखता इतना? तुम खाते हो, 4 निवाला भी खाते हो यार. खाते दो रोज तो बाहर खाते हो, फिर कहाँ जाता है? थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत okay. सारा पानी पीते हैं और ना पोर्शन मेंटेन करते हैं कि कुछ भी ऐसे ओवर ईट नहीं कर लिया. और पोर्शन ईट करना है, पोर्शन में साइज में खाना है. और थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारा पानी पीते हैं. ओके ये तो इनकी बातें हुई कि ये किस तरह से रहता है. और कहीं ना कहीं अब रुचिका ना कंटेंट क्रिएशन किस तरह किया जाए, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू अर्न ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू अर्न ऑन सोशल मीडिया एक्चुअली इनफैक्ट, तो ये सारी चीजें क्लासेस भी ले रही है रुचिका एंड शी इज डूइंग वेरी गुड. और ये जो है ना एक क्रिएटिव थिंग है, क्यों ना कहीं हमको बहुत
आसान लगता है, हम भी बहुत सोचते हैं कि हम जाएं फूड से फोटोग्राफ खींचना है और उसे पोस्ट करना है, लेकिन रिव्यू देना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है, क्योंकि आर्ट है. आजकल ये आर्टिस्टिक चीज़ें ना इतनी आसान नहीं जितनी दिखाई पड़ती है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? डेफिनेटली वेरी ट्रू. मतलब ना लोगों को लगता है कि इसका जो बहुत ज्यादा आसान है सिर्फ खाना खाना है और फिर डालना है सोशल मीडिया पे, बट ना ऐसा नहीं होता है. आप जब बिहाइंड द सीन्स देखोगे बहुत ज्यादा मेहनत होती है. पहले तो फोटोज लो, उसके बाद में एडिटिंग एंड वहाँ पे टाइम जाता है, उसके बाद में फिर अपलोड करना और क्लाइंट को मनाना और उसके बाद में कुकिंग की तो बात ही मत करो, क्योंकि ना 10 मिनट की रेसिपी 2 घंटे लगते हैं. वेरी ट्रू. मतलब बहुत कुछ रहता है. दिखने में बहुत आसान दिखती है, पर उसके पीछे का मैस ना तो वो उन्हें ही बताओ. उसके बाद में वो सेटअप, बार बार फोकस करना, तो इन सब चीजों में ना 10 मिनट की रेसिपी बनती है पूरा 1 घंटे. अच्छा, जो घर पे खाना बनता है वो खुद टेस्ट करती हो कि फैमिली को टेस्ट कराती हो? फैमिली. फैमिली मम्मी बनाती है, क्या टेस्ट करना, बेस्ट ही होगा. ये सही है. अब ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे. हाँ, एकदम क्विक आंसर करना है. मतलब बिल्कुल अगर तुमने थोड़ा सा भी पॉज लिया तो मैं बोलूंगी नहीं, आउट. पक्का आउट. चलो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम की यूट्यूब? इंस्टाग्राम. ओके. मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? नाइट. कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी? कोल्ड कॉफी. पहले तो चाय या कॉफी? कॉफी. कॉफी. हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी? कोल्ड कॉफी. एडिबल गोल्ड या वेरिएबल गोल्ड? मतलब अच्छा भी लग रहा होगा सोना, तो बोलना पड़ेगा यार प्लीज एडिबल गोल्ड, मतलब मेरी इज्जत रख लो फूड ब्लॉग. अच्छा ठीक है. बेक्ड या फ्राइड? बेक्ड. फूड या फ्राइड? बेक्ड. ओके. वियर्डेस्ट और स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू एट? ओरियो मैगी. आई हैड टू ट्राई. मतलब सच में तुमने खाई? आई नो. तुमको पाप नहीं लगा? आई नो. ओरियो मैगी हमने ना यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया कि ट्राइंग आउट स्ट्रेंज. अच्छा, यू ट्राइंग. ओके. तो ट्राइंग आउट स्ट्रेंज फूड, तो उसमें हमने बटर चाय खाया, सॉरी पी, उसके बाद में ओरियो मैगी. तो बटर चाय वाज एक्चुअली नाइस. यू शुड ट्राई गाइस, यू शुड ट्राई. यार आई एम अ कॉफी पर्सन, चाय पी लेती हूं कभी-कभी, बट इट वाज एक्चुअली गुड. और वो काफी वायरल हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए. तो फिर इट वाज रियली नाइस. बट ओरियो मैगी का क्या, चाय वालों, मौसम वैसे भी चाय और पकौड़े को हो चला है, तो अगर चाय बन रही होगी तो तुरंत उसमें बटर डाल के थोड़ा सा. ओके. सो इफ यू कुड बी एन आइसक्रीम फ्लेवर, व्हाट इट वुड बी एंड व्हाई? चॉकलेट फॉर श्योर. व्हाई? Everyone loves chocolate. And I want ke sab log mujhe pasand kar rahe hain. Acha, what's your guilty pleasure? Yeah. Guilty pleasure to have an ice cream. 3 baje, 2 baje, 1 baje, kitne bhi baje. Kuch bhi bolti hai, bata Ruchika, kuch bhi bolti hai. Koi nahi khata hai, aur ye khati hai, to isko lagta kyun nahi hai yaar? Maine to baar baar yehi sawal kiya. Kyun? Kuch bhi bolti hai Ruchika, main bol rahi hu aapko, nahi khati hai. Ye bas bolti hai, khati hai, kuch nahi khati. Ye le jati hai aise doston ko, aur sare doston se main puchna chahungi, kaash main show pe apne unke doston ko bula sakti, to wo ye bolte the ki sara khana hum khate hain, Ruchika kuch nahi khati. Thank God aapne unko bulaya nahi. मतलब सिर्फ रुचिका फोटोग्राफ खींचती है, पोस्ट करती, खाना उनको टूस देती है. फैक्ट है ये. मेरे को जाना पड़ेगा रुचिका के साथ. चलो चलो. ओके. वन फूड यू वुडंट वांट टू गिव अप? पाव भाजी. ओके. नेवर. ओके. यस. ओके. इफ नॉट फूड ब्लॉगिंग देन व्हाट? डिजिटल मार्केटर. ओके. इफ यू ट्राई अ न्यू रेसिपी एंड इट डजंट टर्न आउट गुड, देन व्हाट टू डू? अच्छा सवाल था ना. बहन खा लेती है. हाय बेचारी बहन. मतलब अब तो बहन से सारे दर्द हम पुछवाएंगे. सो ये तो था रुचिका के साथ एक मस्त सा फन सेशन, लेकिन इनसाइड स्टोरीज जो है वो तो परिवार वालों से ही पता चलेगी. तो इसके लिए लेट्स हेड ओवर टू द पेरेंट्स एंड सिस्टर. क्या बोलते हैं, क्या इनसाइड स्टोरीज होती है, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड. So you guys are watching Inside Stories with Meenakshi, और Inside Stories में घर की जो पोल है ना, और जो खासकर हमारे content creators की पोल है, उनकी family खोल सकती है, because in camera और on camera तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत मस्त मजा करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी जद्दोजहद होती है और कितनी मस्ती होती है, ये उनकी family से जानेंगे. अंकल आपसे पूछना चाहूँगी, as an food blogger, influencer, आप रुचिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि being an engineer, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, एक अच्छी सी जॉब हासिल करे, लेकिन इंजीनियर से फूड ब्लॉगर एज एन इन्फ्लुएंसर आप तो बहुत अच्छा कर रही है, तो आपको कैसा लगता है? स्टार्टिंग में आपने कहीं ना कहीं इसके पीछे एक स्टॉप तो लगाया होगा.
हाँ जी, लगाया था लेकिन ऐसा है, उसने इंजीनियर करने के बाद ऐसा लगा अपने कि वो ये इस फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड उसने चॉइस की है, वो तो बेटर देन ओके, अभी अपने को प्राउड है उसको। वेरी ट्रू आंटी, आप क्या बोलोगे, फूड ब्लॉगर, वो भी खाने को लेकर जो बच्चा किचन में घुसता नहीं है वो फूड के रिव्यूज देगा, मतलब आपके लिए कैसा था ये एक्सपीरियंस? मेरे को तो बिल्कुल अजब लगा कि ये कैसी उधर गई फूड ब्लॉगिंग की फील्ड कैसी चुनी इसने, क्योंकि उसको किचन का कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा था ना कि फूड ब्लॉगर्स के अंदर की कहानी तो पता यही चलेगी। किचन में पहले जाती थी नहीं जाती थी? नहीं जाती थी। नहीं जाती, कुछ नहीं बनाती थी? नहीं नहीं, कभी कुछ बनाई नहीं उसने। रुचिका बड़ी है और अपनी दूसरी छोटी है, राइट? हाँ। है ना, तो मैं ये कहूंगी कि रुचिका अब आफ्टर इंजीनियरिंग अब एक फूड ब्लॉगिंग के इसमें प्रोफेशन में आ चुकी है एंड शी इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन कोविड के टाइम्स पर रुचिका ने खाने बड़े बनाए हैं, बड़ी रेसिपीज बनाई हैं इंस्टेंट, यार मतलब हम तो इतने इंस्पायर्ड हैं, सीखी है ना। वही मैं कह रही हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी इंस्टेंट रेसिपीज बनाई एंड वी वर सो प्राउड कि यार ये मंदी तो बड़ी सीखी सिखाई शेफ लग रही है, बट अंदर की कहानी आंटी से आंटी कितना मैस कर दी थी, कितनी कचरा वचरा कर दी थी, बड़ा डिसेंट काम कैसे काम किया उसने, पूरा किचन खराब करके रखा। ऐसे तो नहीं आधे से ज्यादा हेल्प आपकी थी और उसका सिर्फ ऊपर का होता ही था। ऐसा कुछ आंटी उसने बनाया और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन आपने कहा रुचिका बहुत अच्छा बनाया, सच्ची कोई ऐसी मोमेंट याद दिला दो। वो अच्छा थोड़ा अच्छा बना लेती, धीरे धीरे बनाती, थोड़ा अच्छा बना लेती लेकिन रेसिपीज वो वेरी गुड, आप लोगों ने ट्राई की। आई वोंट से कि रेसिपीज वर नॉट गुड, जो दिखता है वैसा नहीं होता, दैट इज नॉट ट्रू, बनाते वो वही हैं जो सच में लोगों को पसंद आए और लोगों के बनाने के बाद वो टेस्ट अच्छा करे। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीजें, क्योंकि अब एज एन फूड ब्लॉगर उसे हर चीज टेस्ट करनी पड़ती है, राइट? वो चाहे कॉन्टिनेंटल हो, वो चाहे इंडियन डिशेस हो, चाहे कुछ भी, बहुत सारे से कॉम्बिनेशन जो हम नहीं खाते क्योंकि हम देसी खाना अंकल पसंद करते हैं। ऐसा कुछ रुचिका ने आपको खिलाया जो आपको एज एन कम्फर्टेबल नहीं अच्छा लगता, रुचिका यार तेरे लिए खा रहा हूँ थोड़ा सा बट मुझे पसंद नहीं है, ऐसे कोई फूड? बहुत सी चीजें हैं जो मैंने जो टेस्ट नहीं किया लेकिन यहाँ कर चुका हूँ। कौन सी चीज है और आपको अच्छी लगी हो पहली बार ट्राई करने के बाद, ऐसा लगा हो कि नहीं ये रुचिका ने कुछ नया खिलाया मुझे अच्छा लगा, ऐसा कुछ आपको याद हो? मेरी मम्मा को भी मोमोज नहीं पसंद है बट वो हमारे लिए खा लेती है, है ना नी? आपको ऐसा कोई मोमेंट याद हो जो कोई फनी रहा हो कि रुचिका के साथ ऐसा फूड से रिलेटेड कि वो कुछ बना रही है कुछ बिगड़ गया है, ऐसे कुछ अच्छी मेमोरी याद है आपको? एक मेरे को लगता है मैगी है कोरिएंट की, क्या मैगी है उन्हें टेस्ट करने के बाद वो बहुत अलग लगी थी। कौन सी ओरियो वाली मैगी तो नहीं बोल रहे? हाँ बस ये ओरियो मैगी वाला मैजिक ना लिटरली, क्योंकि वो तो हैक था क्योंकि हाँ अच्छा कोरियन मैगी की बात कर रहे हो आप, हाँ मतलब ये मैगी तो मुझे भी पर्सनली नहीं पसंद है, आपको भी पसंद नहीं आई थी ना मैगी। अच्छा आप अब रुचिका इतनी बार किचन में खाना बना लेती है, राइट? इतना फूड ब्लॉगिंग कर रही है, घर पे खाना बना रही है, लेकिन पर्सनली जब आपको हेल्प करती है और आप बोलती है रुचिका ये देखा किचन में, ये तो कि नहीं 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 आती, हाय नहीं आती ये सारा क्या शी इज सो लाउड, मतलब पूरा कैमरे के लिए शी इज लाउड, बाप रे मैंने बोला था ना कि ये सारी अंदर की कहानी ना मम्मी ही बता सकती है, तो आप बोलते नहीं यार वैसे तो बड़ा कैमरे के लिए खाना बनाती है अंदर क्यों नहीं आ रही, तो बोलने यार रोटी वोटी बनवाओ आप, मैं तो बोलूंगी यार रोटी वोटी बनाओ, शादी वादी करवानी है, मेरे को ये बताओ कि खाना वाना शादी की तैयारी वारी तो नहीं चल रही है उसकी? नहीं नहीं आप, आपकी इच्छा तो ऐसे अंदर से जाहिर नहीं होगी कि यार अब रुचिका बहुत अच्छा खाना अंकल बनाने लगी है अब इसकी शादी करवा, लड़की की शादी करवा देते, बड़ी लड़की की शादी करवा देते, कुछ प्लान है आपकी शादी करवाने के रुचिका के? डेढ़ साल हाँ जी मतलब अभी रुचिका को ट्रेन कर रहे हैं दूसरे घर में जाने के बाद उसको तकलीफ नहीं होने को ना, देखो मतलब रुचिका अभी भी नॉटी है, मतलब उसको पूरी तैयारी में कही जा रहा है। वेल ये तो बहुत सारी मस्ती मजाक थी लेकिन इंस्टेंट जो खाने की हमने बात की है, इंस्टेंट रेसिपीज जो रुचिका ट्राई करती है वो कौन सी होती है, और मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक खेलने वाली हूँ। हम लोग ना कुछ इंग्रेडिएंट्स के ना चिट्स बनाएंगे और हम उसमें से निकालेंगे, अब जो इंग्रेडिएंट का चिट निकला उससे रुचिका को खाना बनाना है, अब वो क्या निकलता है वो रुचिका क्या बनाती है ये आपको देखने के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो जैसा कि मैंने कहा कि इनसाइड स्टोरीज विथ रुचिका आज हम देख रहे हैं और फन सेशन में एक बहुत ही
ट्रिक, एक्चुअली वो ट्रिकी आइडिया मुझे सुझा है, और ये है कि कोविड टाइम्स में ना फूड ब्लॉगर्स ने काफ़ी कुकिंग की है और रुचिका ने भी काफ़ी इंस्टेंट रेसिपीज बनाई हैं, बट मैं लाइव देखना चाहती हूँ कि रुचिका क्या बनाती है। लेकिन उसके लिए ना इंग्रेडिएंट्स हमारे हिसाब से होने वाले हैं। मैंने कुछ चिप्स बनाई है और मैंने इसमें चिप्स डाले हैं, अब इसमें से जो निकलेगा उसमें से रुचिका को वो चीज़ बनानी पड़ेगी। वो क्या बनाती है वो देखते हैं। अंकल से एक चिट निकलवाते हैं। आंटी आप, आज होगी असल परीक्षा किसकी, रुचिका की। अंकल क्या था? दिस इज आइसक्रीम ओके आइसक्रीम बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। वाह वाह वाह, खुश हो गई। एंड दिस इज ओरियो, दुनिया का फेवरेट इंग्रेडिएंट जो बहुत ज्यादा इसके साथ तमाशे हुए हैं ओरियो के साथ। बहुत आसान मिल गया अच्छा, मुझे अच्छा अच्छा एक और निकालते हैं। थ्री है ना, फाइव निकालते हैं। दिस इज सॉस, कौन सी सॉस डलवाई जाए? टोमेटो सॉस डाल दूं आपके लिए? मैं गा नहीं पाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। हां, वी कैन ऐड अ चॉकलेट सॉस। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज बनने वाली है क्योंकि टेस्ट मुझे ही करना है। एंड दिस इज सिनेमन। ओके नाइस, जाओ बेटा बना के दिखाओ, चलते हैं इनके किचन में मिलते हैं। वेल, इट्स टाइम फॉर सम ट्रिकी थिंग। और जैसे कि हमने किया कि हमने चिट्स निकाली, रुचिका के मम डैड ने चिट्स निकाली, एंड चिट्स में जो इंग्रेडिएंट्स आए हैं उससे रुचिका बनाने वाली एक इंस्टेंट रेसिपी। वेल, आपने इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारी इंस्टेंट रेसिपीज देखी होगी, लेकिन आज मैं लाइव देखने वाली हूँ। एंड व्हाट वी गॉट इन द चिट्स की एक सिनेमन है, सॉस है, एंड रुचिका ने बहुत ही क्लेवरली खेलते हुए चॉकलेट सॉस ले आई है। मैं कोशिश सोच रही थी कि मैं इसमें चिली सॉस या टोमेटो डाल दूं, लेकिन आखिर पीना मुझे ही है तो मैं ये बिल्कुल बाप नहीं कर सकती। सो वी हैव सॉस, ओरियो, आइसक्रीम एंड मिल्क। सो मुझे तो समझ में आ गया कि रुचिका जरूर शेक बना रही होगी, राइट? सो वी विल बी हैविंग अ मस्त वाला शेक बाय रुचिका। रुचिका स्टार्ट करते हैं। यस, तो ओरियो शेक बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम ले लेंगे ब्लेंडर। ओके, उसके बाद में हम उसमें डालेंगे मिल्क। ओके, अच्छा फुल क्रीम मिल्क? फुल क्रीम मिल्क। ओके, मज़ेदार एकदम। फिर हम उसमें ऐड करेंगे ओरियोस। हम ओरियो के साथ बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ओरियो मैगी तो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, और कुछ भी और नहीं कर रहे हैं, बट हम ओरियो शेक बना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल, यू आल्सो लव शेक, राइट? एंड चॉकलेट फ्लेवर इज रुचिका फेवरेट फ्लेवर। तो अब मैं डाल रही हूं आइसक्रीम। दिस इज वनीला आइसक्रीम, यू कैन स्किप दिस, बट अब मुझे चिट में आया है तो फिर मैं तो सब यूज करने वाली हूं। आइसक्रीम से एक बार अच्छा फ्लेवर, रिच फ्लेवर भी आ जाता है, और है ना बहुत बढ़िया, काफी अच्छी आती है। हाँ, अगर आपको एकदम थिक शेक पसंद है ना तो मस्त आइसक्रीम वाइसक्रीम डालो। ओके, ज्यादा से ज्यादा बहुत बढ़िया लगती है। बढ़िया, दो स्कूप जो है वो आइसक्रीम के जा चुके हैं। यस, तो पहली बार ना ओरियो शेक में हम लोग सिनेमन ऐड कर रहे हैं, बिकॉज मुझे चिट में आया। चल जाएगा, चल जाएगा। तो एकदम हम थोड़ा सा सिनेमन से ना पतले होते हैं मेरे। चलो बढ़िया, ये सिनेमन ऐसा वाला डाल के तो पतला बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। तो फिर मैंने सिनेमन डाल दिया। ठीक है, अब कितने इंग्रेडिएंट्स यूज हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, पांचवा हम बाद में यूज करेंगे। okay, sauce, तो सबसे पहले हम इसको ना ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ओके okay. तो इसको ऐसे करके हमको ये मिक्सर में डालना है। ओके okay. और ये ब्लेंड और इसको घुमाना है। ओके okay. तो अभी हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू सर्व, बट आई टोटली फॉरगॉट कि हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट तो बचा है ना, चॉकलेट सॉस। यस, तो हम इसको यूज करेंगे अब। ओके, लेट मी चेक ये कैसे खुलेगा। यहाँ से ओके okay. So, ये जो ओरियो शेक बना है ये बना होगा शायद 30 रुपए में। अगर मैं रेस्टोरेंट खोलती तो मैं इसको बेचती थी 150। बस अब वही उम्मीद है कि रुचिका बहुत जल्द एक कैफे खोलेगी और मैं वहाँ पहुँचूंगी रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट इनविटेशन दे देना रुचिका। बिल्कुल, मैंने खुद को ही दे दिया इनविटेशन। तो ये हमने चॉकलेट सॉस मस्त स्प्रेड कर लिया। ओके, और ये अब इसमें जा रहा है शेक। ओके, वैसे तुमने लॉकडाउन में कितनी मैक्स कितनी रेसिपीज ट्राई की होगी? बहुत, 200-300। ऐसा कुछ जो तुमने सोचा नहीं था तुम ट्राई करोगी, पर तुमने ट्राई किया या तुमसे शायद पॉसिबल नहीं होगा? मैंने ना मतलब
वैसे मैं नॉनवेज खाती हूँ बट हाथ नहीं लगाती हूँ जब अच्छा, बनते टाइम पे। बहुत बहुत स्टार्टिंग जो बिगनर्स है ना उनके लिए इशू है, क्यों बनाते समय वो दिक्कत होती है। तो बनता है ना तो मैं हाथ नहीं लगाती हूँ जब वो ऐसे उसको धोना पड़ता है ना पहले, बट मुझे वो करना पड़ा। ओके सो नॉनवेज आपने बनाया, अब फिर से हम इसको मस्त गार्निश करेंगे आइसक्रीम के साथ, मोर आइसक्रीम। आहा, लॉट्स ऑफ आइसक्रीम, लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड उसमें एक इंग्रेडिएंट जो कि एक्स्ट्रा था या फिर हमारी चिट में निकला एज आ ट्रिकी जो हमारी सिनेमन, सिनेमन ठीक है, सिनेमन का टेस्ट इज गुड, थोड़ा स्वीट होता है। हाँ मुझे भी सिनेमन पसंद अच्छा लगता है। और ये इसमें गया एकदम कैफे स्टाइल में रुचिका ने ओरियो, ये इंस्टेंट रेसिपी ओरियो थिक शेक बना दिया है। और ये थोड़ा सा ओके चॉकलेट सॉस, वाह वाह, मतलब यो हाँ ये कर सकती हूँ यार मैं, ये ले सकती हूँ, मतलब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे कोई ऐसी कोई फैंटा मैगी या फिर ओरियो मैगी या फिर ओरियो पकोड़े वकोड़े खिला दिए ना किसी ने तो मैंने तो वहीं भाग जाना है तुरंत तुरंत। बताओ ओरियो का जरा टेस्ट। ओरियो का टेस्ट वैसे ही जैसा होता है बट ये बहुत बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत इंस्टेंट है और आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। और अगर ऐसी ही इंस्टेंट रेसिपीज आपको देखनी है देन डू फॉलो रुचिका असदकर। यस प्लीज। एंड आज इनसाइड स्टोरीज विद रुचिका असदकर में इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ। लेकिन अगर आपका भी कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर फेवरेट है और आप उनकी इनसाइड स्टोरीज जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कीजिए उनका नाम, हम उनके घर पे पहुंच जाएंगे और उनकी अंदर की जो पूरी पोल है ना वो खोल लेंगे। तो आज तो बहुत मजेदार था, थैंक यू सो मच रुचिका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। एंड यहाँ पर बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ विद मोर फन विद मोर मस्ती, तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।